फाइनली दोस्तों किसी का भाई किसी की जान, दोस्तों बात करेंगे एडवांस बुकिंग कलेक्शंस की। आज अभी की ताजा रिपोर्ट आ गई दोस्तों, इंडिया के अंदर ह्यूज कलेक्शंस हो गया है। आपको बताओ कितने करोड़ का कारोबार कर चुकी है फिल्म इंडिया के अंदर, वही साथ ही साथ ओवरसीज का अमाउंट भी बताऊंगा आपको कि कितना अमाउंट कलेक्शन हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों 100 करोड़ तो सिर्फ कमाएगी फिल्म साउथ इंडस्ट्री से, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो यार। आपको बता दूं कि वेंकटेश दगुपति और पूजा हेगड़े जो कि साउथ के बड़े जाने माने स्टार माने जाते हैं, उसके अलावा दोस्तों पहली बार सलमान खान पूजा हेगड़े के साथ काम कर रहे हैं, और वेंकटेश दगुपति भी कितने सालों के बाद सलमान खान के साथ फिल्म को साझा कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि 100 करोड़ तो सिर्फ साउथ इंडस्ट्री से ही फिल्म कमा लेगी, ऐसा सूत्र लोग बता रहे हैं। वही दूसरी ओर बात करूं पठान फिल्म की, पठान के अंदर साउथ का कोई भी स्टार नहीं था, कोई बड़ा सुपरस्टार भी नहीं था, फिर भी फिल्म पठान ने 100 करोड़ कमाई कर ली थी साउथ इंडस्ट्री से, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद भी कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान पठान के रिकॉर्ड को तोड़े। वहीं दूसरी ओर बात करूं दोस्तों, अब्दुक रोजी का स्पेशल कैमियो है इस फिल्म के अंदर, और जब सलमान खान ने एडवांस बुकिंग की ऑफिशियली घोषणा की थी ट्विटर पे, तो दोस्तों अब्दुक रोजी ने कमेंट करके पता है क्या बताया कि पूरा थिएटर ही अब्दुक रोजी ने बुक कर लिया। भाई साहब आप सोच सकते हो दोस्तों की एडवांस बुकिंग कितनी अच्छी चल रही है। वहीं बात करूं दोस्तों कुछ नेगेटिव लोग, कुछ हेटर्स जो सलमान खान को ट्रोल कर रहे हैं और नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों सलमान खान की फिल्म कोविड से पहले 4 फिल्में जो है फ्लॉप गई थी, जो कि लोग कह रहे हैं कि रेस 3 भी खराब गई थी, फ्लॉप गई थी, भारत भी फ्लॉप गई थी, और उसके अलावा दोस्तों कई फिल्में और आई थी, ट्यूबलाइट भी आई थी, वही फ्लॉप गई थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान ये भी फ्लॉप हो जाएगी। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि भैया एडवांस बुकिंग जो है ना फेक दिखा रहा है, सारी कलेक्शन फेक है। अगर ये फेक कलेक्शन से होता दोस्तों तो बुक माई शो पे 1,23,300 कैसे शो रहा होता, लोग धड़ाधड़ अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं यार, फास्ट फिलिंग हो रही है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऑरेंज ऑरेंज भगवा भगवा हो रहा है, और लोग कह रहे थे ग्रीन रिवोल्यूशन हो रहे हैं, दोस्तों कहीं भी ग्रीन नहीं शो हो रहा है। आपको बात करूं कि जयपुर के अंदर राजा मंदिर डॉल्बी सिनेमा, वहां जाके देखो दोस्तों 21, 22, 23 सारे 24 तक फिल है, एडवांस बुकिंग पूरा टनाटन फिल हुआ पड़ा है। वही बात करूं ग्रेटर नोएडा दोस्तों फिल है, सबसे ज्यादा स्क्रीन मिले दोस्तों मुंबई में और दिल्ली के अंदर, और ये दो ऐसे स्टेट है जहां पे दोस्तों अगर एडवांस कलेक्शन अच्छे आते हैं तो दोस्तों फिर आपका फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता है। वही बात करूं दोस्तों एडवांस बुकिंग इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर दोस्तों 6,173 टोटल शोज काउंट है अभी जो अपडेट आई है। टिकट जो बिके हैं लगभग 1,07,000 टिकट बिक चुके हैं दोस्तों अभी की ताजा रिपोर्ट, जो कि एक मैसिव नंबर है दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि 5 करोड़ के ऊपर चली गई है फिल्म एडवांस बुकिंग में, तो दोस्तों फिर से कलेक्शन जो है बहुत तगड़ा होगा। लेकिन शुक्रवार को दोस्तों त्यौहार है, फेस्टिवल है, ईद है, तो उस दिन थोड़ा सा आंकड़ा कम होगा, 15-20 करोड़ भी होता है तो विच इज नॉट बैड दोस्तों, और ये अच्छा ही नंबर है क्योंकि दोस्तों इसका डबल डबल काउंट कर लेना वीकेंड तक, सैटरडे और संडे 100% ग्रोथ मिलेगा दोस्तों। वहीं ओवरसीज की बात करूं दोस्तों, तो ओवरसीज में जो मेन जो कंट्री है लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके दोस्तों, इन 3 जगह की रिपोर्ट अभी जो मेरे पास आई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों $27,500 के आसपास का अर्निंग हुआ है, यूएस के अंदर लगभग $30,135 का, और दोस्तों यूके के अंदर लगभग $25,624 के आसपास का आंकड़ा हुआ है। यानी कि टोटल कलेक्शंस की बात करूं दोस्तों, कन्वर्ट करके बात करूं तो इंडियन रुपीस के हिसाब से लगभग 80 लाख के आसपास का ओवरसीज से ही कलेक्शंस हुआ है। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात करूं एडवांस बुकिंग में, तो दोस्तों लगभग 3 करोड़ होने ही जा रहे हैं, और आज है 19 तारीख, अभी 20 है, और दोस्तों 21 तारीख को फिल्म रिलीज ही हो रही है, तो लगभग हमारे पास आज रात और कल पूरा दिन बाकी है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आंकड़े डबल हो जाएंगे दोस्तों, और 21 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है हर सिनेमा घर। दोस्तों क्या लगता है आपको, किसी का भाई किसी की जान क्या तोड़ पाएगी रिकॉर्ड तू झूठी मेमकार का, भोला का, शहजादा का, और साथ ही साथ पठान भी उम्मीद करते हैं रिकॉर्ड टूट जाए, मुश्किल है थोड़ा, नामुमकिन नहीं है दोस्तों। सलमान खान के फैंस प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करो, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार दो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।